चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज है 10 नवंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे द वोकैब शो। और एक चीज़ मैं आप लोग को याद दिला दूं कि आज के इस वीडियो के बाद हम लोग टोटल 100 वर्ड्स इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लेंगे, द वोकैब शो के सीरीज़ में। और ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखते हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। 5 मिनट्स में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 वोकैब सीखते हो विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड द ट्रिक्स। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ टेम्प्रोरी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी काम को टेम्प्रोरी रूप से प्रोहिबिट कर देना, यानी उसको कुछ समय के लिए उस काम को बंद कर देना, किसी एक्टिविटी को, इसे हम कहते हैं मोरेटोरियम। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्बार्गो या प्रोहिबिटेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअंस। इसको याद करने की ट्रिक देखिए, ऑडिटोरियम की पेंटिंग का काम मोरेटोरियम कर दिया गया। ऑडिटोरियम की पेंटिंग का काम स्टार्ट तो हुआ था बट उसको अभी टेम्प्रेरी रूप से उसको बंद कर दिया गया है, तो ऑडिटोरियम की पेंटिंग का काम मोरेटोरियम कर दिया गया। ओके, कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है व्रेंगल। व्रेंगल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट स्पेस, टिपिकली वन विच इज़ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी एक ऐसा डिस्प्यूट, एक ऐसा झगड़ा या ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत ही लंबा खींचा जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, याद करने इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? आर्ग्यूमेंट या स्क्वैबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगी? एग्रीमेंट। इसको याद करने की ट्रिक देखिए, एग्ज़ाम में रॉन्ग एंगल के क्वेश्चन आने पर बच्चे व्रेंगल करने लगे। मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कोई एंगल रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे सारे बच्चे क्या कर लेंगे? व्रेंगल कर लेंगे, यानी कि इस पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चन तो रॉन्ग आ चुका है। तो इस ट्रिक के हेल्प से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेंच। इंट्रेंच क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एस्टैब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ सो फर्मली डैट चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कोई ऐसा हैबिट, कोई ऐसा एटीट्यूड या कोई ऐसी बिलीफ को इस्टेब्लिश कर देना जिसमें चेंज लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या चेंज लाना अनलाइकली है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनस्कॉन्स, इस्टेब्लिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसलॉज। इसे याद करने की ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या हो जाएगी? रील्स बनाने का ट्रेंड आजकल ट्रेंच हो गया है। आजकल क्या हो गया है? रील्स बनाना बहुत ही ट्रेंडी चीज़ें हो गई है ना, तो रील्स बनाने का ट्रेंड आजकल क्या हो गया है? ट्रेंच हो गया, यानी कि एक ऐसी हैबिट बन गई है जिसे चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये बस ट्रिक है, आप ट्रिक की तरह इसे याद कर सकते हो और आपको ऐसे वर्ड्स याद रहती हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेंडर। रेंडर क्या होता है? प्रोवाइड और गिव अ सर्विस और हेल्प, यानी किसी को कुछ कोई सर्विस प्रोवाइड करना या कोई सर्विस देना, कोई हेल्प देना, उसे हम कहते हैं रेंडर करना। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा? प्रॉफर्ड या सप्लाई। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉल्सिफाई या डिस्टॉर्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, वेंडर ने वेजिटेबल रेंडर की। वेंडर, ठीक है, वो वेंडर क्या होते हैं? जो सेल करते हैं कोई भी सामान, है ना, तो वेंडर ने क्या किया? वेजिटेबल रेंडर किया, यानी वेजिटेबल्स प्रोवाइड की। ओके, चलिए बहुत ईजी सी ट्रिक थी इसकी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपंज। एक्सपंज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिमूव कम्प्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट। कोई भी चीज़ जो अनवांटेड अनप्लीजेंट है उसको पूरी तरह कम्प्लीटली रिमूव कर देना, इसे हम कहते हैं एक्सपंज करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इफेस या एनिहिलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रीस्टोर। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए, थोड़ी सी फनी ट्रिक है ये। चलिए ट्रिक है, स्पॉन्ज वाले एक्सपायर्ड रसगुल्लों को मैंने एक्सपंज कर दिया। तो इस स्पॉन्ज के रसगुल्ले तो आपने खाए होंगे, तो स्पॉन्ज वाले जो रसगुल्ले हैं वो क्या हो गए थे? एक्सपायर्ड हो गए थे, वो खाने लायक थे नहीं, तो मैंने क्या किया? उन्हें कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, एक्सपंज कर दिया। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी? स्पॉन्ज वाले एक्सपायर्ड रसगुल्लों को मैंने एक्सपंज कर दिया।
तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे ट्रिक और सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे और ये वर्ड्स और ट्रिक आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। सो ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।